अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल KMLTV। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तानी 1000 पैसे लेकर 1400 रुपए सिर्फ एड्स देखकर कैसे कमा सकते हैं। आपको मैं एक वेबसाइट के मतलब बताऊंगा, उस वेबसाइट पर आपने अकाउंट बनाना है और फिर आपने उस वेबसाइट पर एड देखनी है। एड देखने के आपको जो अर्निंग होगी वो आप कैसे निकलवाएंगे, ये भी सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और ये एड्स आपने कैसे देखनी है, बस सिंपली आपने तकरीबन 3 या 5 सेकंड की एड्स देखनी है, उससे आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन वाले बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुंच जाए। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने डायल करना है www.click.com। तो आपके सामने वेबसाइट जो पहले पेज पर जो आपके सामने वेबसाइट आई, आपने उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जो ये हरे रंग की सब्ज रंग की 3 पट्टी हैं लेने, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। आपने साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपको बताएगा 2 किस्म के अकाउंट बनाने के लिए। पहला अकाउंट है पब्लिशर अकाउंट और दूसरा अकाउंट है एडवर्टाइजर अकाउंट। जो पब्लिशर अकाउंट होता है वो यूज दिस अकाउंट टाइप द मेक मनी ऑनलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए जो पब्लिशर अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पब्लिशर अकाउंट बनाएंगे, इसलिए हमने पब्लिशर अकाउंट पर क्लिक किया तो सामने आप पहले पेज पर आपके सामने पब्लिशर साइन अप आ जाएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, प्लीज़ प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल, आपने अपनी जो दुरुस्त डिटेल है वो देनी है। इस बात का ख्याल रखें कि आपने जो यहाँ पर डिटेल देनी है वो अपनी ओरिजिनल डिटेल देनी है, जो नाम आपका आपके आईडी कार्ड या पासपोर्ट पर है वही नाम यहाँ पर आपने टाइप करना है और एक ही अकाउंट यहाँ पर आप बना सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट की इजाज़त नहीं है और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। तो सबसे जो ऊपर वाला खान है यहाँ पर योर फर्स्ट नेम है, यहाँ पर आपने अपना नाम टाइप, योर फर्स्ट नेम पर आप अपने नाम का कोई भी पहला हिस्सा लिख सकते हैं, उसके बाद योर लास्ट नेम। लास्ट नेम मिसाल के तौर पर मेरा नाम है मोहम्मद, तो मैं फर्स्ट नेम पर मोहम्मद और बाद में अली लिख दूंगा। और योर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपने वही टाइप करनी है जो आपके आईडी कार्ड पर दी हो। और उसके नीचे वाला है योर होम पोस्टल एड्रेस, आप पोस्टल एड्रेस जहाँ पे टाइप करना है, पोस्टल एड्रेस आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद सिटी है और उसके बाद अपनी कंट्री जो पहले ही सिलेक्ट की हुई है, जिप कोड या पोस्ट कोड वही होता है, आपने गूगल पर इसे सर्च कर लेना है। वहाँ से आपको आपकी सिटी का नाम लिख के आपने पोस्टल कोड सर्च करना है तो आपको पोस्टल कोड मिल जाएगा। उसके बाद यूर नंबर, आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये याद रखें कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने 0092 पहले लगाना है, 0 को ख़त्म कर देना है, बाकी फिर अपना वही नंबर लिख देना है। यहाँ पर दूसरा अपना कोई नंबर डायल करना है और इसके बाद आपने अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है, जो आपका ईमेल एड्रेस है यहाँ, और इसके नीचे आपने कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, वही आपने ईमेल एड्रेस दोबारा यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड का टाइप करना है। पासवर्ड दोबारा टाइप करने के बाद आपने अकाउंट सिक्योरिटी के नीचे जाकर आ जाना है, यहाँ पर लिखा है चूज़ ए सिक्योरिटी क्वेश्चन। आप जब चूज़ ए सिक्योरिटी क्वेश्चन को ओपन करेंगे तो उसके बाद आपके सामने व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, आप इसमें कोई भी अपनी पसंद का ऑप्शन देख सकते हैं जो आपको आसानी से याद रहे, लेकिन मैं यहाँ पर व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, मैं यहाँ पर अपना कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये नीचे आंसर देना है कि आप कौन सा कलर पसंद है, तो मुझे ब्लू कलर पसंद है, तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर या ब्लैक कोई भी कलर आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर दे सकते हैं। और
हाउ डिड यू फाइंड, आप कहाँ, मैं यहाँ पे गूगल सर्च को सिलेक्ट कर लूँगा। तो इसके बाद इफ़ यू रेफरल कोड, ये रेफरल कोड जो आपके ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपने यहाँ पर रेफरल कोड वो दे देना है और उसके बाद इंटर द कोड बिलो, यहाँ पर जो ये कोड लिखा हुआ है नीचे, ये जो आपने ये जो खाली खाना है यहाँ पर MC90I, ये कोड यहाँ पे दर्ज कर देना है। और ये कोड दर्ज करने के बाद यहाँ से इसे आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये जो नीचे रजिस्टर वाला बटन है आपने इसे क्लिक कर देना है, ताकि हमारा अकाउंट जो हमने ये अकाउंट बनाया है वो हमारा अकाउंट आसानी से बन जाए। तो थोड़ी देर ये इंतज़ार आपको करना पड़ेगा तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो क्योंकि मैंने पहले ही अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं अपने उसी अकाउंट से साइन अप कर लूँगा जो कि मैंने पहले अकाउंट बनाया हुआ है। और इसके बाद आपने ये जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पर वो अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है और नीचे अपना पासवर्ड टाइप करना है। तो सबसे पहले मैं अपना ईमेल एड्रेस टाइप करूँगा। ईमेल और पासवर्ड टाइप करने के बाद ये वो नीचे जो कोड दिया हुआ है J2944 पे टाइप करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर दें तो आपके सामने स्टार क्लिक पब्लिशर अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपने थोड़ी देर इंतज़ार करना है। तो पब्लिशर अकाउंट के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप ओवरव्यू अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं और ये जो हरे रंग का सब्ज का और डॉलर का निशान है, आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी एड शो हो जाएंगे, जो आपको मिसाल के तौर पे आज के दिन का टास्क दिया होगा। मैंने ये किसी एड पर क्लिक करेंगे तो आपसे सामने वो एड्स ओपन हो जाएगी। एड्स बाज़ुका तो जल्दी ओपन हो जाती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा वक्त भी लग जाता है। तो ये सिंपली जब एड्स आपके सामने शो हो जाएं तो आपने इस एड्स को बस आपने ओपन ही करना है, और जब ये ओपन हो जाए तो इसे क्लोज कर दें। तो समझो वो एड्स की अर्निंग आप कर चुके हैं। इस एड्स के आपको जो भी अर्निंग होनी थी वो आपने कर ली है। तो अब आपके पास बकाया 6 एड्स बच चुकी हैं। तो आप ओवरव्यू पर जाकर अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और आपको आज की कितनी एड्स मिली हैं वो भी आप देख सकते हैं। आपको आज की 0.07 एड्स मिली हैं, और ये आपने जो अर्निंग की हुई है वो तमाम उसका जो ग्राफिक है वो आपके सामने शो हो चुकी है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टार क्लिक से आप जो अर्निंग की हुई रकम है वो कैसे निकलवा सकते हैं। तो अगली जो वीडियो है उसमें आपको ये सारा तरीका बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।